झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल चुनाव आयोग ने राज्यपाल को हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने से संबंधित अपनी राय भेज दी है। चुनाव आयोग ने लाभ के पद पर होने के आरोपों पर भी अपनी राय भेजी है। इस बीच ताजा जानकारी मिली है कि राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली से रांची पहुंच चुके हैं। रांची एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जब मीडिया ने उनसे चुनाव आयोग की रिपोर्ट के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, मैं दिल्ली एम्स में इलाज करवाने के लिए गया था, राजभवन पहुंचकर इसकी जानकारी लूंगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत की विधानसभा सदस्यता जाएगी या रहेगी, इस पर राज्यपाल को फैसला लेना है। सूत्रों का कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन पट्टा मामले में अपना मंतव्य राजभवन को भेज दिया है। राज्यपाल के रांची वापस लौटने के बाद ही चुनाव आयोग की ओर से भेजी गई सीलबंद रिपोर्ट को खोला जाएगा। फिलहाल चुनाव आयोग का पत्र राजभवन को प्राप्त हो जाने की सूचना पर झारखंड में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। उधर बीजेपी के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर दावा किया है कि चुनाव आयोग ने राजभवन को अपनी रिपोर्ट भेजकर हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर चुका है। ऐसे में हर किसी के जहन में यही सवाल है कि अगर हेमंत सोरेन को अपनी विधायकी गंवानी पड़ती है तो उनके पास और क्या विकल्प है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।